जो बात राजनीति ने तीन दिन पहले बताई उसी बात पर अखिलेश और जयंत ने मोहर लगाई। सीटों की डील पक्की हो गई, गठबंधन पर मोहर लग गई। अखिलेश और जयंत के बीच पहले राउंड में क्या हुआ, कितनी बात बनी, कितनी आगे बात बढ़ी, पूरी डिटेल आ गई है। सिर्फ हमारे पास है पूरी डिटेल, आगे हम ये डिटेल बताएंगे। उससे पहले आप अखिलेश यादव के ट्वीट को ठीक ठीक देखिए और समझिए। एक तस्वीर शेयर करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा, श्री जयंत चौधरी बदलाव की ओर। अखिलेश ने इसमें कहीं भी कोई सीट का जिक्र नहीं किया है और न ही ये लिखा है कि गठबंधन पक्का हो गया, लेकिन अखिलेश यादव का इशारा साफ था, जयंत के साथ सीटों पर बात पक्की हो गई। जयंत चौधरी इधर उधर कहीं नहीं जा रहे, जिसकी अटकलें हाल के दिनों में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में लगाई जा रही थी। अखिलेश यादव के साथ ही जाएंगे जयंत चौधरी, इस तस्वीर को देखकर साफ है। इस तस्वीर में दोनों नेता मुस्कुरा रहे हैं, दोनों हाथ मिला रहे हैं। ये तो आपने अखिलेश का ट्वीट अब तक देखा, अब जयंत चौधरी क्या लिख रहे हैं जरा वो भी देखिए। जयंत चौधरी ने लिखा, बढ़ते कदम। सिर्फ दो शब्द में उन्होंने पूरी कहानी बयां कर दी। अखिलेश और जयंत के बीच क्या बातचीत हुई है, अब इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी से गठबंधन में 50 सीटें चाहते हैं, अखिलेश यादव उन्हें 32 से 35 सीटें देने को तैयार हैं। 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी के टिकट पर जयंत के उम्मीदवार उतारे जा सकते हैं। जयंत चौधरी 40+10 के फॉर्मूले पर आ चुके हैं, यानी उनकी माने तो 40 सीटें सीधे सीधे आरएलडी को मिल जाए और 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी उनके लोगों को उम्मीदवार बना दे। खबर तो ये भी है कि आखिरी रास्ता 38+5 के फॉर्मूले पर तैयार हो सकता है, क्योंकि अखिलेश का मानना है कि एक एक सीट पर जिताऊ कैंडिडेट ही उतरे तो ज़्यादा सही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश सपा का भी गढ़ रह चुका है, ऐसे में अखिलेश अपने कैडर को भी नाराज नहीं करना चाहते हैं। अखिलेश यादव कई मौकों पर यह साफ कर चुके हैं कि वो यूपी चुनाव में छोटे छोटे दलों के साथ ही गठबंधन करेंगे और ऐसे में आरएलडी की बहुत महत्ता बढ़ जाती है। समाजवादी पार्टी अब तक सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और उनके अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और जनवादी पार्टी के संजय चौहान के साथ गठबंधन का पहले ही ऐलान कर चुकी है। जयंत चौधरी ने 19 नवंबर को कहा था कि इसी महीने के अंत तक राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी मिलकर निर्णय लेंगे और साथ आ जाएंगे। खबर तो ये भी आ रही है कि अभी ये पहले राउंड की मीटिंग हुई है, जल्द ही दूसरे राउंड की मीटिंग होगी और इसी महीने में होगी। कहा जा रहा है कि इसी महीने के आखिर तक दूसरे राउंड की मीटिंग में ही गठबंधन पर अंतिम मोहर लगेगी।